हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है यार आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खरीद होंगे, मज़े में होंगे, इन्जॉय करेंगे मेरी लाइफ को। वेलकम बैक हो गया जी आप लोग हमारे डेली रूटीन के एक न्यू ब्लॉग के अंदर। खैर अभी जो है ना सुबह से आए हैं फार्म के ऊपर, कोई भी चेक वगैरह कोई परिंदा नहीं खुला हुआ, अभी पहले इनको खोल देते हैं, उनको खोल देते हैं और असील चिक्स को खोल देते हैं। यार अभी ने इनको खोल दिया, ये यहाँ से थोड़ी बहुत गंदम खा रहे हैं, ये खा लेंगे और इनका ना पानी भर के हम लोग चलते हैं जाके जो है ना इनके फीड लेके आते हैं। आज जो है इनको फीड डालेंगे, क्योंकि कल से हमने नोट किया गंदम ने इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खा रही जितनी शौक थी फीड। एक दो बार खाई उसके बाद जो है इन्होंने ना गंदम खाना बंद कर दिया, शायद से इनको ना हाजमे में इसके मसला हो रहा है। तो अभी ना हम चलते हैं इनके लिए फीड ले आते हैं और उसके बाद जो है आके बाकियों को खोलेंगे। तो यार अभी जो है ना सारे में पानी रख दिया, जो अंदर वाले चूज़े हैं उनको ला के बाहर रखते हैं और उसके बाद जो है ना जाके फीड लेके आते हैं। जो है ना इनको उठा के बाहर भी रख दिया और इनके पास जो है ना पानी भी रख दिया, पानी जिनको प्यास है वो पी रहे हैं, जिनको नहीं है वो वहीं पे खड़ा। तो अभी जो है ना हम लोग चलते हैं जल्दी से जाके जो है ना फीड ले आते हैं। अभी जो है ना ये वो ले आए हैं, दवाई कह रहा हूँ, दवाई मेरे जहन में आ रही है, ये कहते हैं फीड ले आए, ये भी उतारते हैं। उससे पहले ना हम ना एक जगह से मशवरा करके आए, इनकी कमज़ोरी की वजह पूछ के आए, तो वो एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। कोई कहते हैं कीड़े होते हैं जो इनका ना खून पीते हैं पाँव के जरिए, तो इसके पाँव पे जख्म है बड़े, मतलब के जो है इनके पिंजरों के अंदर हमें स्प्रे करनी पड़ेगी, क्योंकि जो है कीड़ा होता है एक जो कि ना वो पीता है खून पीता है इनका, जिनकी वजह से जो है ना इनमें कमजोरी आती है। एक बार फिर भी हम लोग ना जाके देख लेते हैं, हो सकता है कोई ना कोई नजर आ जाए। वैसे तो कहा बताया गया है कि रात को एक कीड़ा निकलता है, लेकिन अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, तो रात को आके ना एक बार देखेंगे। और यहाँ की ना अच्छी तरह सफाई करके इधर चूना भी करवाएंगे और इधर जो है ना क्या कहते हैं स्प्रे इंशाल्लाह एक दो दिन में या कल तक इंशाल्लाह स्प्रे करवाते हैं। और सफाई का अभी थोड़ा सा है मसला, या तो हम अंकल को कह देते हैं वो कर देंगे और अंदर जो है मिट्टी डाल देंगे। सफाई का मसला इसलिए है क्योंकि जो है मैं ना फ्री नहीं होता, फ्री यानी कि दोपहर को अगर मैं फ्री हूँ तो दोपहर को मैं आके सफाई करता हूँ। अभी पिछले लास्ट एक दो दिन में मैं फ्री माशाल्लाह क्यूट लग रहे हैं, तो एक दो दिन फ्री था तो उस टाइम मेरे जहन में नहीं आया कि हम सफाई कर लें, लेकिन अब जो है ना इनकी सफाई ज़रूरी है, इनकी सफाई करेंगे इंशाल्लाह सैटरडे या संडे को, क्योंकि उन दो दिनों में मेरी छुट्टी होती है और मैं उन दो दिन फ्री होता हूँ। इनको फीड डाल के बंद कर दिए, इनके केज में फीड डाले हैं, इनको जाके बंद करते हैं, उसके बाद जो है इनको बंद करेंगे, वरना ये वाले सारे चीज जो है ना इधर घुस जाएंगे इनके केज में। इतना सारे चूज़ों को फीड डाल दिए, इनको बस थोड़ी सी और डालिए और वो हो जाएगा, बाकी जो है ना छोटे वाले उनको सारों को डाल दिए। अभी ना इनको भी बंद कर दिए, उनको भी बंद कर दिए, अभी उन दोनों को जाके खोल देते हैं और बड़े जितने भी हैं ना उनको भी फीड डाल देते हैं। बेचारे गर्मी में पड़ा है, इनका गट्टू पीछे पड़ा है, इनके आगे भी गट्टू देते हैं, सारे जो है छांव ढूंढ रहे हैं। अभी जो है इनके आगे भी दे दिए, यहाँ से कटोरी उठाते हैं और जितने भी इनके पास भी ख़त्म है इनके पास पड़ी है, लेकिन सिर्फ दाने हैं तो थोड़ी सी फीड भी डाल देंगे और बाकी जिन जिनके पास थोड़े से सिर्फ दाने पड़े हैं ना उनके पास भी फीड डाल देंगे। यार अभी जो है ना सारों को फीड डल गई है, अभी ना हम लोग मोटर चला लेते हैं और सारा ना पानी का छिड़काव कर देते हैं, उसके बाद काम ख़त्म, उसके बाद चलेंगे घर। अभी ना मैंने मोटर चलाने की कोशिश की है लेकिन जो है लाइट नहीं है, तो अब जो है गुजारा करना पड़ेगा। इनका जो है पर्दा नीचे गिरा देते हैं और अंकल को कह जाते हैं जैसे लाइट आएगी तो यहाँ पर जो है ना पानी का छिड़काव कर देंगे। इसका पर्दा नीचे गिरा दिया क्योंकि धूप आना शुरू हो गई थी। अब घर चलते हैं और इंशाल्लाह मिलेंगे शाम को। अभी जो है ना शाम का टाइम हो गया और हम लोग जो है ना दोबारा से फार्म के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले जो है हमने फीड डाल ली, अब जो है इसको पकड़ लिया, इसको जो है ना वो करना है क्या कहते हैं पट्टियाँ चेंज करनी है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं इस बार पट्टी सही तरह नहीं हुई तो दोनों पट्टियाँ जो है ना खुल गई हैं। इनको जो है सेट करते हैं और धो के दोबारा से पट्टियाँ पहनाते हैं, और इस बार ना वो नहीं रखेंगे जो पिछली बार हमने रखा था, बीज क्या नाम था उसका, भुलैया इसी तरह का कोई नाम था, मैं गलत ले रहा हूँ, मुझे इतना पता है मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, तो इस बार वो बीच नहीं रखेंगे अपना पुराना हल, क्योंकि उसकी जो है ना ये वाली चंडी सही हो गई थी, एक ये वाली है वो भी इंशाल्लाह उसी तरह सेट करेंगे और इसको ना थोड़ी देर बगैर पट्टियों के भी फिरने देंगे। तो अभी इसकी पट्टियाँ खोलते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो यार अभी ना इसको जो है ना दोबारा से पट्टी कर दिया, इसको ऐसे खुली पट्टी करके नहीं छोड़ा था क्योंकि जो है बाबा ने मना कर दिया था कि इसके जख्म में मिट्टी पड़ जाएगी, तो अभी इसको खोल दिया और अभी जो है ना इनका पानी वगैरह निकालना शुरू कर दिया छोटे भाई ने, उस साइड से हम शुरू कर देते हैं और सारों का पानी निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है ना उस वाले मुर्गे को मैं दो तीन दिन से जो है वॉक करा रहा हूँ, तो उसके बाद उसको वॉक कराएंगे और उसके बाद जो है इनको बंद करेंगे।
छोटे भाई जो है ना जब तक बर्तन सेट करके यहाँ पे रखता है तब तक जो है ना हम उसको 5-7 मिनट वॉक कराते हैं और उसके बाद थोड़ी सी उसकी एक्सरसाइज भी है वो कराते हैं और उसके बाद जो है ना इनको बंद करना शुरू करेंगे। अभी उस पर फोकस करते हैं, उसको भी थोड़ा सा ना तैयार करेंगे लड़ाई के लिए। इसको 4 मिनट भगाया और ये जो है अभी आपके सामने फुल तरीके से थक चुका है। अभी इसकी थोड़ी सी मालिश वगैरह करते हैं और उसके बाद जो है ना इसको छोड़ देंगे। इसको फुल तरीके से थका दिए, ये जो है ना अभी फुल थक गया। और इतने में जो है छोटे भाई ने ना सारी मुर्गियां बंद कर ली हैं, मिस्री भी बंद कर लिए हैं, बैंटम्स भी बंद कर लिए हैं, बस असील और चिक्स रह गए, उनको बंद करना है। अभी इसको थोड़ा सा ये देखें, अब थोड़ा सा फिर भी बेहतर है। रोज़ाना इस तरह इसकी ट्रेनिंग करेंगे तो इंशाल्लाह एक दिन जो है ना ये अच्छे तैयार हो जाएगा और इसको जो है ना फिर लड़वाएंगे या नहीं लड़वाएंगे, बहरहाल जो भी है तैयार करने से ना ये होता है कि मुर्गा है ना खूबसूरत नज़र आता है दिखने में, ज़रा बॉडी बिल्डर टाइप जैसे होता है ना वैसे। अभी जो है बंद करते हैं इनको भी और वो उधर से सारे चूज़ों को भी, असील वाले चिक्स को भी और इन वाले चिक्स को भी। और अभी जो है ना मशीन चार्जिंग पर लगा दिया, कौन सी मशीन, यहाँ पे स्प्रे जो करनी है सुबह को, तो सुबह को क्या होगा कि ना जल्दी आके सबसे पहले इन पिंजरों की जो है सफाई होगी, सफाई होने के बाद जो है ना स्प्रे वगैरह सारा कुछ पड़ा है, बस मशीन चार्जिंग पे लगा दिया वो उसका है। तो सुबह जो है ना ये फ्रंट वाले 1, 2, 3, 4 ये इनकी सफाई होगी, इनके जो परिंदे हैं वो या तो यहाँ पे आ जाएंगे और ये जो दो केज होते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि 8 घंटे तक इन पिंजरों के अंदर ना फिर कोई घुस नहीं सकता जब यहाँ पे स्प्रे होगी। तो वो सिल्की हो गया, पॉलिश हो गया, इन दोनों को जो है ना इन केजेस में बंद कर लेंगे और चिक्स वगैरह सारे खुले रहेंगे, तो यहाँ पे स्प्रे हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये जो कमज़ोरी वाला हमारा मसला है ना वो कल रिजोल्व हो जाएगा। और अभी जो है वो ये वाले चिक्स बंद हो गए हैं, ये वाले रहते हैं और वो छोटे भाई ने उनको भी कर दिया है, इनको इनके केज में फीड डली है। सुबह भी जल्दी चले गए थे जब इनको बंद करने लगे थे, अभी भी जो है उम्मीद है जल्दी चले जाएंगे। तो यार अभी जो है ना बस ये वाले चिक्स अंदर रखने और अदाने भी आप सुन सकते हैं शुरू हो गई हैं। यहाँ पर जो है मैं करता हूँ व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको जो है आज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे बटन दबा दें ताकि जो है नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अभी के लिए जय दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।